हे गाइस, आज जो है ट्यूसडे है और ट्यूसडे वैसे मैं ऑफ रखती हूँ। उसके बाद भी आज मैं सलून में हूँ क्योंकि एक बुकिंग थी हेयर स्टाइल की। तो मैंने सोचा कि चलो, क्लाइंट बहुत दूर से आती है, रेगुलर भी है, द्वारका से आती है, द्वारका से यहाँ आती है, तो मैंने उनको बुला लिया। 9 बजे से आई हुई हूँ मैं, और जब मैं उनका जैसे हेयर स्टाइल करने लगी और उसके बाद जो हुआ तो मैं भी शॉक थी और मेरी क्लाइंट भी देख के हैरान हो गई कि अरे ये हुआ क्या। मतलब अब इतना मूड ऑफ है ना मेरा सुबह सुबह जो है कि नुकसान हो गया। बस मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। ये देखिए, पहले हल्का सा क्रैक हुआ था एक जगह, वहाँ पे जो है हल्का सा क्रैक हुआ था। उसके बाद जो है पूरा शीशे का हाल आप देखो क्या हुआ है, और समझ ही नहीं आया। आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्रैक हुआ। मैंने जैसे ही इस चेयर में बिठाया क्लाइंट को और मैं कॉम करने लगी थी, उतने में भट सी आवाज़ आई। आने के बाद थोड़ी देर में देखा तो ओ, इस शीशे को क्या हो गया, एक ग्लास का टुकड़ा जो है गिर के नीचे ऊपर से नीचे गिर गया। तो पता चला ओ, ये तो पूरा शीशा गया, जबकि अभी हमने लॉक भी नहीं खोला था क्योंकि मुझे बस उनका हेयर स्टाइल करके वापस घर जाना था कि चलो अब घर चली जाऊंगी। और सुबह सुबह यह 40,000 का नुकसान हो गया और बहुत बुरा लग रहा है और समझ ही नहीं आ रहा है कि यह हुआ कैसे है। देखो अब ये कब गिरेगा पता नहीं चल रहा, और शीशे का यह हाल है। और पहले जो शीशा था वो ऐसा था शीशा, जैसे ये साइड भी लगाया हुआ है हम लोगों ने, पहले ऐसा था शीशा, उसके बाद जो है ये ऐसा हो गया है। बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया है, जितने का हेयर स्टाइल नहीं था अब उसमें उनका क्या वो है, कैसे छोटे छोटे टुकड़े हुए हुए हैं इसके, कब गिरेगा पता नहीं चलेगा चल रहा। और आवाज़ जो है इसमें से आ रही है जैसे कि एक एक कांच जो है गिर रहा है। बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है, सुबह सुबह 40,000 का जो है नुकसान हो गया है। और अभी तब से यहीं पे हूँ और पूरा सैलून आपको दिख ही रहा होगा, पूरा ऐसे फैला पड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और एक दो ग्लास वाले को फ़ोन करके भी पूछ चुके हैं आखिर ये ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि अभी भी ये शटर लॉक है और ना ही ऐसा भी नहीं कह सकते कि किसी ने मारा हो या कुछ हुआ हो। एकदम से आवाज़ आई है और हम लोगों को लगा कि आउटसाइड है, आवाज़ बाहर से आ रही है शायद, तो एकदम से एक ग्लास नीचे गिरा तो लगा कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ। तो हम लोग यहाँ से उठ के जो है अंदर की साइड गए, जैसे तैसे क्लाइंट का हेयर स्टाइल कंप्लीट किया। मूड तो अभी भी ऑफ है। और दो तीन ग्लास वाले को फ़ोन करके पूछा तो वो कह रहे ये तो 53 ग्लास है, ऐसा होता नहीं है, या तो कुछ चीज़ लगा है इसमें। बट जब हम यहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया था, मैंने और मेरी क्लाइंट ने, तब ये ग्लास को कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि मैंने देखा भी था। मैंने सोचा खोलते हैं, फिर मैंने सोचा वापस तो जाना ही है, 1 घंटा लगना है हेयर स्टाइल का, खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद चली जाऊंगी। अब देखो ये कब गिरेगा या गिराएंगे। दो तीन ग्लास वाले को कर चुके हैं, वो लोग बोल रहे हैं हमें उतना कुछ आइडिया है नहीं, वैसे ऐसा होता नहीं है। और 53 ग्लास जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लास माना जाता है। अब समझ नहीं आ रहा, अभी जिससे जिसके थ्रू ये लगवाया है हमने उससे कांटेक्ट करेंगे, देखते हैं वो क्या बोलता है और उसके बाद क्या होता है, तब भी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों से बात करूंगी। मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है इस टाइम पे मेरा। शाम के 5 बज गए, हाफ शीशा जो है अपने आप गिर गया था। उसके बाद जो पड़ोसी हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो भी है, दुकान वाले शॉप वाले, वो सारे आए क्योंकि वो जब 53 ग्लास गिरता है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। उन्होंने पूछा अरे भाई क्या हुआ, हम लोग भी बात कर रहे थे शायद 53 ग्लास गिर गया। तो उनमें से एक भैया आए, उन्होंने फिर सारा ग्लास जो है गिरा दिया, वो एक लोहे के डंडे से मार के। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि अब कैसा लग रहा है। और हम लोगों ने मिलके, वो भैया वगैरह ने अच्छे थे, उन्होंने सजेस्ट भी किया, उन्होंने बोला ऐसा तो होता नहीं है, मे भी हो सकता है कि जब शुरू में लगाया था उस टाइम पे कहीं क्रैक पड़ा हो तो ये धीरे धीरे करते करते ऐसे ब्लास्ट हुआ है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है,
इसके जो साइड्स होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं, जिसके कारण जो है कि ये ग्लास जो है टूटने का जो है डर रहता ही है। तो ये एकदम से हुआ था, उन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प किया और उसको हाफ जितना बचा था तोड़ा, क्योंकि उन्होंने बोला अगर वैसे गिरता तो मैं भी हो सकता कि मुझे भी लग सकता था, क्लाइंट को भी, क्लाइंट के ऊपर भी गिर सकता था, बस इस चीज़ का बचाव हो गया। तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ से थोड़ी सी संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड क्या बोल सकती हूँ, नुकसान हुआ तो। फिर मेरी मम्मी ने और मेरी बहन ने भी बोला, उनको भी बताया फ़ोन करके, भाई ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। अगर गिर के लगता तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से, फिर कट्टे में भर के शीशे को जो है इस तरह से भरा इसके अंदर, और अभी आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए अब ये ऐसे दिख रहा है, बहुत ही बेकार लग रहा है। और आज से अभी तो 1 साल 24 दिन ही हुए, 1 साल जो है 12 दिन ही हुए थे और इसको लगे हुए भी। और इस तरह से फिर हम लोगों ने जो है भर के रखा। और वो जो भैया थे 2-3, उन्होंने बोला कि भाई वहाँ पे जाके वो आपको ऐसा वो मिल जाएगा कट्टा, तो आप वो ले आओ, इजी रहेगा। फिर फाइनली सारा जो है फाइनली सारा क्लीन वगैरह कर दिया, पूरा सलून क्लीन कर दिया। फिर मैंने सोचा अब क्या वापस जाऊँ, इतना टाइम तो निकल ही गया है, अब 1-2 घंटे और वेट कर लेती हूँ। उसके बाद भी 2-3 क्लाइंट आए, अब क्लाइंट को तो मना नहीं कर सकते, काम में तो करना ही पड़ता है। बस ये आप लोग सोचे होंगे कि भाई अगर मुझे इतना दुख है तो ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। बस ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है यही कि हाँ, इतने 1 साल पहले जब लगाया था इतनी खुशी थी बहुत ज़्यादा कि ये मेरा फर्स्ट सलून है, इतने साल जॉब करने के बाद जो है सलून खोला और ये लग रहा था तो बहुत खुशी थी। और जब भी फिर मैं देखूँगी या आगे जाके तो पता रहेगा। तो बस एक मेमोरी टाइप के लिए कि हाँ भाई ऐसे था और ऐसे हो गया, बस इसके लिए। और बस ये है कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना भाग दौड़ करते हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ से मुझे ये सीख मिली है, क्योंकि ये तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा और ऐसे जो है गिरेगा। ये तो सोचना क्या, कभी भी दिमाग में कभी आया ही नहीं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो आजकल की जो लाइफ है इतनी फास्ट है, इतना भाग दौड़ है, इतना कंपटीशन है। हम लोग सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, पैसा जो है सेव करते हैं। हमें पैसा सेव करना चाहिए फ्यूचर के लिए, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है हमें अपनी ज़िंदगी को जीना भी चाहिए, क्योंकि वक्त का आज के टाइम पर तो कुछ भी नहीं पता कब किसके साथ क्या हो जाए। ऐसा मिरर दिखता था, ऐसा ग्लास दिखता था, अब ये ऐसा लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है देखने में भी, क्योंकि ये शटर जो है बहुत अजीब सा फील हो रहा है मुझे देख देख के। बस आज के लिए इतना ही।